इस करवा चौथ आ ही गया एंड वो प्रॉब्लम मेरी आपको सॉल्व करनी बहुत जरूरी है हाउ पिछे पिछे इज दैट हेलो अगर में मेरे शक्ल के बारह बजे हुए इट्स बिकॉज मेरे बारह बजे हुए हैं कल हम लोग लेट uh, नाइट एक बर्थडे पार्टी में गए हुए थे oh, तीन बजे रात को सोए हैं एंड या yeah. द लर्निंग फ्रॉम देट इज़ बूढ़े हो गए ट्वेंटीज़ में नहीं रहे हैं। इतनी रात रात भर बाहर रह के नेक्स्ट डे वर्क नहीं कर सकते द ओनली रीजन वी वेंट ऑल्सो वॉज कि वो आज तो छुट्टी है ना बच्चों की आज छुट्टी थी वाल्मीकि जयंती थी ये रियलाइज नहीं किया हम तो ऑफिस जाते ना हमारी तो छुट्टी नहीं थी और मेरी तो अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स थी एनी वेज लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट बट आई जिस वॉन्टेड टू एक्सप्लेन कि मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ बट आई स्टिल वॉन्टेड टू शो यू माई करवा चो शॉपिंग कल मैंने की थी अगर आपने कल का ब्लॉग देखा है तो मैं अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग गई थी चौदह साल बाद एक फ्रेंड के साथ शॉपिंग गई थी एंड uh, कुछ चीज़ें तब खरीदी हैं कुछ चीज़ें पहले से मंगवाई हुई हैं एक मुझे कन्फ्यूजन भी है कि मैं क्या करूँ तो वो मेरी प्लीज़ 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 हेल्प करना टू सॉल्व दैट एंड जल्दी से कमेंट कर देना उसके बारे में बिकॉज करवा चौथ आई गया एंड वो प्रॉब्लम मेरी आपको सॉल्व करनी बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो ये बहुत सुंदर सा गिफ्ट हैम्पर है फ्रॉम जैगरी एंड नट्स जैगरी एंड नट्स इज ऑल्सो ओन बाई फ्रेंड एंड वो एक मॉम ऑन्टरप्रन है दिस इज अ पैकिंग ऑफ मीठी मट्ठी सादी सादी मट्ठी बोलते हैं नॉर्मल मट्ठी बोलते हैं मट्ठी बोलते हैं आई डोंट नो मट्ठी बेसन का ब्लॉक विच इज़ लाइक द मोस्ट अमेजिंग थिंग एवर सीरियसली अगर आपको मिठाई खाने का शौक है नहीं भी है तो इस दिवाली ये बेसन का ब्लॉक जरूर ट्राई करना दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड शी इज डेफिनेटली ओर फ्रेंड बट लाइक मैंने ना ये पूरा हेम्पर uh, लाइक ये तो ये हेम्पर ना मेरे मायके से आया मोम ने दिया मैंने ये हाई इसीलिए खरीदवाया क्योंकि मुझे ना ये बेसन का ब्लॉक खाना था सो दैट्स हाउ हाउ आई आई लव लव इट इट दैट्स मच एंड इसमें क्या है, मैं भूल गई uh, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं इज वॉट आई नो ओ oh, फिरनी uh, जैसी पतली पतली जो बनती है ना फिर बोलते हैं ना उसको वो तो ये करवा चौथ का पूरा स्पेशल हेम्पर है अफकोर्स इफ़ यू वॉन्ट टू गो चेक हर आउट तो करवा चौथ के लिए तो लेट हो गया बट शी इज डूइंग दिवाली दाली हेम्पर्स यू कैन चेक हर आउट फॉर दैट नेक्स्ट अप इज दिस क्यूटिश लिटिल सिल्वर का पर्स जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं क्या करने वाली हूँ बट ये मुझे बड़ा सुंदर लगा था एंड दिस इज ऑल्सो ट्रेंडिंग राइट ये सिल्वर का नहीं है सिल्वर कलर का है असली सिल्वर का नहीं है क्योंकि असली सिल्वर का इतना महंगा इतना छोटा पर्स तो मैं लेती नहीं <laughs> वैसे ही है दिस इज अगेन फ्रॉम अ फ्रेंड हु मॉम प्रिन्योर एंड आई जिस कि क्यूट लगेगा देख पा रहे हो आप मतलब मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा हाउ आई वॉन्ट टू लाइक स्टाइल इट इन कपड़ों के साथ तो आई डोंट नो जाएगा या नहीं जाएगा बट आई वॉन्ट ऑफ स्टाइल इट सम हाउ एंड इट्स सो क्यूट इसमें कुछ भी नहीं आने वाला लिटरली लाइक एक रुपये में भी बट अच्छा था यार इट वॉज इन दैट एक्सपेंसिव ऑल्सो आई फिगर आउट किसको स्टाइल कैसे करना है नेक्स्ट वी हैव दिस द्यूटिफुल दिख रहा है नेक्स्ट वी हैव दिस ब्यूटिफुल पायल दिस इज़ दिस इज़ सिल्वर एंड ये ब्लैक बीड्स है एंड मुझे ना पायल इस टाइप की एक चाहिए थी uh, मेरे पास पहले थी मॉम ने ही दी थी करवा चौथ पर बट um, वो आई थिंक स्विमिंग करते समय उसका एक खो गया था एंड मुझे सिर्फ एक पैर पर तो काला धागा बांधना मुझे नहीं अच्छा लगता एंड मुझे आई फील लाइक कि जो दिस इज़ नॉट धागा दिस इज़ ब्लैक बीड्स है इसमें और सिल्वर है, सिल्वर है इसमें um, मुझे लगता है ये ना इवन वेस्टर्न वे के साथ चल जाता है लाइक नॉट विध एवरी थिंग नॉट विध लाइक ऐसा नहीं है कि आप लाइक like, किसी के पार्टी में जा रहे हो पहन सकते हो पहन तो सकते हो मतलब डिपेंडिंग ऑन द प्लेस टू प्लेस टू समस्टेंट मतलब नॉर्मल पायल से ज़्यादा तो ये वाली चल जाती है नहीं भी जल्दी से तो कुछ नहीं होता मुझे अच्छी लगती है <laughs> तो uh, ये मेरी पायल है दोनों पैरों की है एक पर नहीं पहनती एंड घुघरू मैंने स्पेशल डलवाए थे दिस इज अगेन फ्रॉम अम मॉम ऑन्टरप्रेन्योर इनफैक्ट आज कल मेरी मॉम ऑन्टरप्रेन्योर से शॉपिंग बहुत होती है बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ अ ग्रुप दैट इज अ नेटवर्किंग ग्रुप फॉर मॉम आंटरप्रन्यस एंड एवरीबडी ऑब्वियसली इनकेजे इच अदर टू बाई फ्राम इच अदर्स बिजनेसिस एंड अच्छी भी होती है चीजें एंड यू नो पर्सनल टच मिल जाता है तो यू ऑलवेज एंजॉय बाइंग फ्राम सच प्लेसिस तो दिस इज कलम बिका बाय संगीता इनका लिंक मैं डाल दूंगी एंड या इट्स लाइक आई एम एक्साइटेड टू वेर दिज अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा करवाचौथ वाले दिन ही पहनू पायल या अभी से पहन लूँ मेरा मन कर रहा है बट अभी है लाइक अभी क्या आज क्या है अभी थर्सडे है ये फ्राइडे सैटरडे आप ये फ्राइडे को देख रहे हो सैटरडे संडे करवा चौथ वाले दिन ही पहन रहे ना लाइक like नई पायल बिछुए आप लोग कब डालते हो आप करवा चौथ वाले आप पहली बार चेंज करते हो नहीं करते हो और करते हो तो करवा चौथ वाले दिन करते हो या पहले कर लेते हो मुझे पता नहीं है मैं आई थिंक करवा चौथ वाले दिन ही करती आ रही हूँ अभी तक सो आई प्रॉब्ली डू इट ऑन करवा चौथ बट लाइक आई एम वेरी टेम्पटेड टू वेयर दिस पायल ऑलरेडी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है एंड मैंने इस साल बिच में नहीं खरीदे हैं बट मॉम आई नो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू यूट्यूब लाइक हाई हाई बिचवे नहीं खरीदे मिला के दे देती हूँ नहीं मेरे पास ये न्यू रखे हुए हैं बटरफ्लाई वाले मोस्ट प्रॉब्ली आप ही नहीं दिए थे मुझे बट ये मैंने पहने नहीं है तो मैं ये पहन लूंगी ठीक है अच्छा है ना नाइस है ना मैंने पहने नहीं है तो मम्मा प्लीज़ और मुझे बिचवे नहीं चाहिए सॉरी दैट वॉज लाइक अ क्विक मैसेज टू माई मॉम बट ना वो वीडियो देखते देखते मुझे फ़ोन कर देती कि तुमने बिछव ही नहीं खरीदे अभी तक बट ये अच्छे है ना ये पहन लूंगी देन ये थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी पिछला वाला ब्लॉग देखा था मेरा करवा चौथ शॉपिंग वाला आ, आप आपकी आपकी जिम्मेदारी है ठीक है मुझे घर मत वापस आने देना जब तक तो मैं चूड़ी नहीं लेती एंड मेड श्योर दैट आई डिड नॉट कम होम टिल आई बाई बैंगल्स मतलब अब मुझे और घर जाके लग रहा है कि थोड़ी और ख़रीद लेती मैं अभी है टाइम देखती हुए सैटरडे को मौका लगता है जब मेहंदी लगवाने जाऊँगी तो थोड़ी सी चूड़ियाँ और ख़रीद लूँगी बट आई थिंक जो मैंने खरीदा है वो बहुत ही सुंदर है दीज आर लाइक दिस पिंक बैंगल्स एंड इस टाइप की ना रेड मेरे पास काफ़ी सारी हैं एंड ओबियसली दैट डोज गो विद अ लॉट ऑफ थिंग्स रेड से ज़्यादा मरून वाली मतलब मरून टोन्स में काफ़ी कुछ है बट पिंक टोन में कुछ नहीं था एंड नाउ आई एम लाइक ऑपसेस्ड एंड सीरियसली जब मैं ये ख़रीद रही थी ना मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जो मैं पहनने वाली हूँ वो पिंक टोन्स में होने वाला है दिस इज लाइक द यूनिवर्स मेकिंग श्योर कि मैं पिंक पहनूँ आई डोंट नो वाई दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज ऑल्सो पहली बार हो रहा है करवा चौथ पे कि मुझे मेरी शादी के कपड़े पहनने का मन नहीं कर रहा एंड इन ऑल द ईयर्स कितने साल हो गए मेरी शादी को ग्यारह इलेवन ईयर्स आई थिंक टेन ईयर्स मैंने करवा चौथ की होगी तो मैं ओके रफली इज दिस मै टेंथ करवा चौथ कैलकुलेशन ट्वेंटी ट्वेल्व नवंबर में, में मेरी शादी हुई थी अब मुझे बताना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भी मैच नहीं करना मेरा दिमाग नहीं चल रहा कमेंट सेक्शन में बताओ ट्वेंटी ट्वेल्व नवंबर में शादी हुई थी ट्वेंटी ट्वेल्व का करवा चौथ मैंने नहीं रखा था 2013 से मैंने रखना शुरू किया था तो ये मेरा कौन सा हुआ करवाचौथ है इलेवेंथ आई डोंट नो कमेंट प्लीज़ टेल मी तो एनी आई मैंने एवरी सिंगल करवा चौथ बिफोर दिस अपने शादी के कपड़े पहने एंड मैंने अपनी खुद की शादी में तीन डिफरेंट कपड़े पहने थे तो आई हैव हैड वराइटी एंड एक साल शायद मुझे वो पहनने का मन नहीं था तो आई वो लाइक like, मेरे ट्रूज़ो की एक साड़ी एंड देन देस दिस फोर्थ साड़ी जो मैंने शादी के अगले दिन पहनी थी मुझे सुपर हैवी मुझे याद नहीं कि वो मैंने करवाद पर पे कभी पहने या नहीं बट हाँ लाइक आई वोन लाइक द हेवीएस्ट पीसेज ऑफ क्लोदिंग आई ओन पूजा के टाइम बट इस बार मेरा मन नहीं है उतना एंड सरप्राइजिंगली आई हैव रिसेंटली बॉट टू सूट्स एंड मैं सूट्स नहीं खरीदती आई एम लाइक अ साड़ी पर्सन एंड वो दोनों पिंक निकले एंड वो दोनों इस चूड़ी से परफेक्टली मैच कर रहे हैं एंड जब ये मैं चूड़ी खरीद रही थी मैं उनके बारे में नहीं सोच रही थी मैं ओरिजिनली मरून ले रही थी फिर मुझे ये दिख गई याद नहीं अच्छी है मेरी फ्रेंड ने कहा हाँ यार ये ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैंने खरीद ली थी बस दैट्स द बैकग्राउंड सो समाइम्स यू नो द यूनिवर्स वर्कस इन मिस्टीरियस वेज जो कपड़े वो बाद में दिखाती हूँ पहले छोटी छोटी चीज़ें सब दिखा देती हूँ आपको एक तो ये है तो बिंदी मैंने अलग से नहीं खरीदी है क्योंकि रिसेंटली मैंने ये बिंदी बुक मंगवाई थी एंड अभी तो इसके लाइक सब कुछ ही बचा है इसमें लिटरली एवरी तो आई डेंट फील लाइक बाइंग मोर बिंदी इसके अलावा मेरे पास नवरात्र स्पेशल दो बिंदियाँ दिखाती हूँ और एक ये ये ना नवरात्रों के लिए मैंने ली थी एंड आई रियली वॉन्ट टू वेदम इन डेली लाइफ एंड मैंने पहनी है एक दो दिन मैंने आफ्टर नवरात्रे भी ये पहनी है मुझे बड़ी अच्छी लगती so, है सो आई डोंट थिंक करवा चौथ पे ये उल्टी है सॉरी आई डोंट आई डोंट नो अगर मैं पिंक पहन रही हूँ तो इनमें से कोई भी ब्लैक मुझे नहीं है मन ऑब्वियसली पहनने का करवा चौथ पे एंड ये आई थिंक पिंक के साथ अच्छी नहीं लग गई जब उस दिन डिसाइड लाइक like, तैयार होंगे तब देखेंगे बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि ये भी है मेरे पास ऑल्सो साइड नोट साइड नोट आई एम ऑक्सेस्ड विद गरबा मुझे बड़ा मजा आता है गरबा खेलने day, में नेक्स्ट डे चलो मेरे साथ गरबा खेलने लाइक like, आर जी वी फैम गोइंग फॉर गरबा दैट वुड एक्चुअली भी रियली कुल सिंदूर ये मैंने अभी स्पेसिफिकली नहीं मंगवाया है बट बाई चांस ऐसा था कि अभी रिसेंट टाइम में मैंने एक नया सिंदूर मंगवाया था साइड uh, नोट मेरे ना सिंदूर ख़त्म नहीं होते हैं खो जाते हैं लाइक like, क्या आप में से ओके आई वॉन्ट टू नो दिस बिकॉज आई मेरे मैंने कभी सिंदूर ख़त्म नहीं किए हैं तो आप में से कोई है जिसने अपना सिंदूर ख़त्म किया हो और फिर नया सिंदूर मंगवाया हो क्योंकि मैंने हमेशा अपना सिंदूर खोया है और फिर नया सिंदूर मंगवाया है अब प्लीज़ मुझे कोई डांटने मत आ जाना कि सिंदूर नहीं खोते हैं बिकॉज आई मीन इट इज़ अन अवॉइडेबल दैट इज़ द मेमोरी आई हैव दैट इज़ समथिंग आई हैव टू लिव विथ ना ये आपने ब्लॉग में देखा हुआ है दिस इज़ लाइक मतलब ये तो देख के ही मेरा दिल खुश हो रहा है दिस इज़ सो नाइस मतलब हमारे ना सिर्फ थाल गोल गोल घुमाना वो सब नहीं होता है हमारे यहाँ इनफैक्ट फैक्ट थाली चाहिए भी नहीं होती है बट इतनी सुंदर थाल को कौन छोड़ के आता है यार लिटरली कौन छोड़ के आता है मैं तो नहीं छोड़ सकती ऑब्वियसली इट वॉज एक्सपेंसिव तो मेरे मन में डाउट आया था वॉज लाइक like, oh, लू नहीं लू लू नहीं लू बट देन आई थॉट अगर मैं जैसे पार्क में जाती हूँ और ऐसे दस लेडीज होती और हम ऐसे थाल घुमाते मैक्सिमम कितने पचास लोग देख लेते हैं right? राइट बट मैं YouTube पे हूँ ना मतलब थोड़ा तो अपना लाइक like, टशन भी दिखाना चाहिए ना कम से कम लाइक एवरेज हज़ार व्यूज तो आई जाते हैं लाइक like कर दो प्लीज़ पहले तो कि मैंने ये थाल आपके लिए स्पेशली ख़रीदी है ताकि जब मैं तैयार हूँ तो आपको अच्छा लगे कि हम एक अच्छे यूट्यूबर को देखते हैं जो अच्छी थाली लेके आती है सो इसलिए मैंने विच आई आई मीन इट इज़ काइंड ऑफ फ़नी बट दैट इज़ द रीजनिंग आई गिव टू माई सेल्फ कि अगर पचास लोगों को देखने के लिए आई वुड अबाउट दिस थाली अगर मैं पार्क में जा कर इसे बैठती पचास लोग मुझे देखते तो अगर मुझे हज़ार लोग देख रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं लूँगी ये you know, थाली यू नो थाली सो या आई थिंक इट इज़ एप्ट रीजनिंग एनी वेज इसका करवा ऐसा दिखता है विच इज़ सो नाइस इसमें एक धागा लटक रहा है रुको ऐसी चीज़ों में ना ये दिक्कत होती है धागे लटकते रहते ये देखो हाउ फ्रिच फिर इज दैट एंड देन वी हैव द छन्नी छन्नी इज़ अनदर थिंग जो हमारे यहाँ नहीं होती थी बट माई uh, दादी सास वॉज अपसेस्ड विथ सीरियल ठीक है मतलब उनको ये जो एपिसोड आते हैं ना वो देखने में बड़ा मज़ा आता था एंड वहाँ ऑब्वियसली सारे हिंदी सीरियल में करवा चौथ इज लाइक अवज इवेंट एंड उन सब में से छन्नी होती है तो मैं दादी सास को बड़ा मन था कि हम छन्नी वाला ट्रेडिशन करें तो आई लाइक लिटरली आई डोंट थिंक आई आई टू इवन आस्क हर शी वाज ऑलरेडी ऑन बोर्ड कि हाँ हाँ करना है एंड द वन थिंग शी सेड वाज मैं बड़ी बैठी हूँ ना मैंने बोला करना है तो करना है एंड आई वाज जस्ट सो एक्साइटेड आई लाइक हाँ ये तो करना था मुझे इमेजिन अगर लाइक ऐसे खड़ूस वाली सास होती तो बोलती कि नहीं हमारे यहाँ नहीं होता ये तो कितना सैड हो जाता बट लाइक माई दादी वो यूज़ टू बी एंड अभी मम्मी मैं यही बात कर करी थी कोई एक रील देखी थी मैंने ऑनलाइन एंड आई सेंड इट टू मम्मी जी एंड उस वो रील में यही कॉन्सेप्ट था कि मदर इन लॉ एक्सेप्ट करवा चौथ आता है तो मदर इन लॉ बोलने लगती है ऐसे तैयार हो जाओ वैसे तैयार हो जाओ ये श्रृंगार करो वो श्रृंगार करो सोलह श्रृंगार करो तो मैंने मम्मी को मजाक में वो रील भेजी थी एंड मम्मी मुझे बोलती मैं तो मैं ऐसे बोलती नहीं थी दादी जरूर बोलती थी तो मैं दादी की याद आ रही है मैंने कहा हाँ क्योंकि करवा चौथ पे आई एम टेलिंग यू अगर ये मैं थाली दादी को दिखाती ना दादी वुड हैव लव्ड इट

आई एम श्योर मे आपके यहाँ भी होता है चावल और धूप 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 ग्रास आप समझ गए ना नहीं समझे तो कुछ थिंग इट्स लाइक ग्रास वो भी पूजा में पकड़ते हैं रखते हैं फिर जब uh, मून को अर्घ देते हैं उससे पहले वो चावल एंड ऑल फेंकते हैं तो वो चावल एंड ऑल के लिए है ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लिटिल कटोरी एक ना ऐसा वो भी था लाइक like, ऐसा सेट था जिसमें छोटा सा ग्लास भी था एंड ओ माई गॉड आई वॉज लाइक मुझे ये खरीदना है उस ग्लास से वरुण मुझे पानी पिला पाते डेकोरेटिव बट फिर वो उसकी थाली इतनी अच्छी नहीं थी तो और राइट आई थिंक थिंगीज मैंने सारी दिखा दी है अब मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े ना ऑप्शन नंबर वन ये ओरिजिनली मैंने इसलिए लिया था कि करवाचौ में दिन के टाइम पहनूंगी बट मैंने रियलाइज नहीं किया करवा चौथ इज ऑनर संडे जब मुझे कहीं नहीं जाना है लाइक यूजली नॉट दैट करवा चौथ में जा रही होती हूँ बच्चों को स्कूल से पिकअप कर लिया ऑफिस चले गए मीटिंग्स uh, तो ऑब्वियसली मैं नहीं रखती करवा चौथ वाले दिन बट कुछ ना कुछ तो होता ही है कि चार पाँच छः लोग मिल जाते हैं uh, उस पर्पज से काइंड kind ऑफ of लिया था बट दैन बाद में मुझे रियलाइज हुआ यार संडे संडे को तो हम कुछ नहीं करते हम घर पर ही पड़े रहते हैं तो नाव आई एम लाइक डिबेटिंग एंड करवा चौथ पे होते हुए संडे को तो हम बाहर कहीं नहीं जाने वाले तो तब लाइक पहनू नहीं पहनू तो दूसरा ऑप्शन एज आई शो यू द ड्रेस आई टेल यू एल्स आई कैन डू विद इट इसमें लाइनिंग भी है uh, अभी तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ पहन के नहीं दिखा रही अब जब करवा चौथ का ब्लॉग देखोगे तब देखना कैसे पहना है तो दिस आई कैन वेयर ऑन करवा चौथ लाइक दिन के टाइम और आई कैन ऑल्सो वेयर दिस ऑन अ होई तो हमारे यहाँ अहोई भी होती है जो अपने बच्चों के लिए व्रत होता है एंड उसके लिए अभी मेरे पास कपड़े कुछ डिसाइडेड नहीं है एंड इनफैक्ट आई डोंट थिंक मेरे पास उसके लिए कपड़े हैं देखना पड़ेगा है। कुछ न्यू साड़ीज़ हैं मे बी साड़ी, साड़ी पहन लूँ उस दिन um, तो क्या ये पहन लू दिन के टाइम करवा चौथ पे आई थिंक इन लुक नाइस सुंदर तो है ड्रेसडअप भी है इसमें से मिरर वर्क है दिस इज अगेन फ्रॉम अ मॉम प्रेनोर मायरा फैशन करके है उनका एंड शी अज प्लस साइज ब्यूटिफुल प्लस साइज थिंग्स तो डू चेक हर आउट एंड इसमें ये एम्ब्रॉयडरी है एंड इनका बेस्ट थिंग था कि आई फेल्ट लाइक जब मैंने पहना ना तो मुझे ज़्यादा खुला लग रहा था तो so मैंने कहा कि थोड़ा सा ऐसे बेल्ट बना सकते हो बेल्ट करने के लिए तो शी तुशी मी अ बेल्ट ऑल्सो सोश इज़ वेरी स्वीट सो चेकअर आउट तो ये बताओ ये मैं करवा चाह पहले दिन पहन लूँ जब मैं कुछ नहीं करने वाली मैं इस बेड पे बस पड़ी होने वाली हूँ पूरे टाइम uh, या फिर मैं अहोई पे, पे पहनूँ जब मैं मोस्ट प्रॉब्ली किसी ना किसी बच्चे को स्कूल से पिकअप करने जाऊँगी दस चार लोग मिलेंगे ही एडवाइज़ करना या फिर मैं ये अहोई पे, पे पूजा के टाइम भी पहन सकती हूँ कि अहोई के पूजा के टाइम बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं पहनते तो तभी पहन सकती हूँ ये लेट मी नो प्लीज़ आई नीड हेल्प एन एडवाइस फॉर देट एंड देन दिस ये तो मैं भूल ही गई थी मेरे पास है तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं शाम को क्या पहनूंगी और साड़ी पहनने का पता नहीं इस बार मन क्यों नहीं कर रहा ये मैंने भी एक सूट सिलवाया था ये ना अभी थोड़ा अनप्रेस भी है और थोड़ा सा इसकी फिटिंग ठीक नहीं है तो लेट मी just फिगर आउट कि मैं क्या कर सकती हूँ तो मतलब पहना जाएगा थोड़ा ढीला ढाला सा है इट्स वेरी ब्यूटिफुल बहुत अच्छा सजा हुआ काम है करवा चौथ टाइप है जरदोजी का काम है जो मेरा फेवरेट है थोड़ा थोड़ा इसमें से वो जरी निकल रही है बट ऐसे वाले काम में निकलती है तो वट डू यू थिंक फॉर करवा चौथ आई थिंक दिस इज परफेक्ट है ना पिंक पहना भी नहीं कभी चौथ पे एंड ओ लुक एट दैट ये थाल कितनी अच्छी कॉन्ट्रास्ट करेगी येलो एंड पिंक आर यू इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने एंगेजमेंट पे भी यही पहना था कॉम्बिनेशन आई थिंक दिस इज परफेक्ट यार ये कर लो जल्दी से कमेंट्स छोड़ो और मेरी हेल्प करो एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर बट कल का डे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि जो मॉम प्रो और ग्रुप की जिसकी मैं बात करी थी ना उनका कल करवा चौथ स्पेशल मीटअप है एंड हम लोग सब लोग एक पार्लर में जाएंगे वहाँ मेहंदी भी लग रही होगी आई थिंक वहाँ मेकअप क्लासेज भी हैं वहाँ uh, मैंने फेशियल क्लीन अप का लिया है तो थोड़ा सा यार शक्ल अच्छी हो जाएगी एंड uh, और क्या हो रहा है वहाँ पर एंड यू कैन गेट अदर थिंग्स डालेगा आप हेयर कट भी करा सकते हो लास्ट टाइम मैंने वहीं से हेयर कट कराया था एंड द टीम इज़ गुड इट्स बेस्ड इन गुड़गांव द टीम इज रेली गुड द ओनर वेरी स्वीट तो कल वहाँ जा रहे हैं एंड अलॉट ऑफ दीज बॉम्प्रेन आर ऑल्सो माई फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी होगा तो so, बहुत मजा आने वाला है सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो क्योंकि बहुत टाइम बाद में यूट्यूब पर आई हूँ तो सबके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट कर थकी हुई हूँ ना उतनी ज्यादा मैं लाइक ओवर एनर्जेटिक हो रही हूँ पता नहीं क्यों एड्रिल इंटरेस्ट हो गया मुझे हाई अभी सब समेटना पड़ेगा